क्यों सीक्वल बनने हो गए हैं आम, कमल हसन की विक्रम ने कितने करोड़ कमाए, क्या आरआरआर एक्टर बनेगा कमल हसन का पोता। आजकल सक्सेसफुल फिल्मों के सीक्वल बनने आम हो गए हैं, कभी साउथ तो कभी नॉर्थ से सीक्वल बनने की खबरें आती ही रहती हैं। इसी बीच साउथ से कमल हसन की विक्रम का सीक्वल बनने की खबर सामने आई है। ज्यादातर सीक्वल बनने की जरूरत टाइम की कमी भी है, जिसमें किसी भी एक्टर के पास मूवी को देने के लिए 5 से 6 साल का वक्त नहीं होता है, या कभी बिजी स्केड्यूल के चलते डेट्स नहीं मिल पाती है। ऐसे में इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मेकर्स मूवी का सीक्वल बना कर देते हैं, जिससे कहानी की हाइप भी बनी रहती है और एक्टर्स का टाइम भी मैनेज हो जाता है। बता दे, कमल हसन की मूवी विक्रम पिछले दिनों थिएटर्स पर धूम मचाए हुए थी। मूवी ने इंडिया में तो 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया ही था, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड की बात करें तो मूवी 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इंडिया में दूसरे हफ्ते में ये मूवी 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई। अब बात करें अगर वर्ल्ड वाइड की, तो मूवी ने 4 दिनों में 195 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी और 5वें दिन मूवी ने 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया। मूवी में फहद फाजिल और विजय सेतुपति भी लीड रोल में थे, इनके अलावा सूर्या का भी कैमियो था। मूवी अभी बड़े पर्दे पर धमाल मचा ही रही थी कि इसके आगे के अपडेट भी आने शुरू हो गए। ये तो पहले से तय था कि मूवी का अगला पार्ट आएगा। साथ ही कमल हसन की मूवी को नॉर्थ इंडिया में कड़ी टक्कर मिली है। एक तो भूल भुलैया 2 पहले से ही धमाल मचा रही थी और दूसरा 3 जून को विक्रम के साथ 2 और फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें एक थी अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज और दूसरी थी अदिवी शेष की मूवी मेजर। दोनों ही फिल्मों का भी बज बना हुआ था, लेकिन जिसमें से पृथ्वीराज तो एक हफ्ते में ही ढेर हो गई, लेकिन मेजर ने विक्रम को कड़ी टक्कर दी। आरआरआर के बाद रामचरण विक्रम 2 में क्या कमाल दिखाते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। बाय बाय।